बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स uh, uh, आज हम बसमिले रीट्रोरसिज़ को आर नोन एज डेंजरस पैथोजेंस इन आर डीएनए ऐसा क्यों कहा जाता है क्योंकि रिट्रो वायरसिस बेसिकली आपके पास जो अपना जीनोम होता है वो इंसर्ट कर देते हैं इन आवर डीएनए होस्ट के डीएनए के अंदर और आपके पास मोस्टली uh, ये आर एन ए वायरस होते हैं इनका जीनोम आर एन ए में मुश्तम होता है लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो डी एन ए जीनोम भी रखते हैं और वहां पर उनका डीएनए का जीनोम पहले कन्वर्ट होता है इनटू आरएनए और फिर उस आरएनए की कॉपी से दोबारा से एक डीएनए बनेगा और फिर उसको वो अपने होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कर देंगे अब बेसिकली क्या है कि जो रिट्रो वायरस हैं ये अपना जो आरएनए जो मोस्टली हमें पता है कि आर एन ए वायरसेस इन्वेल्व वायरसेस होते हैं मोस्टली तो ये क्या करते हैं इनके पास एक खास तरह का एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उसकी मदद से ये अपने आरएनए को पहले रिवर्सली ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसक्रिप्शन uh, के जरिए डीएनए में कन्वर्ट करते हैं एंड देन उस डीएनए को ये इंसर्ट कर देते हैं इनटू द होस्ट और होस्ट के अंदर फिर आपके पास वो हमारे डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और देन फिर आपका जो रिट्रो वायरस है उसकी कॉपीज बनना शुरू हो जाएंगी और प्रो वायरस भी बनेगा और मोस्टली ये चूंकि आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो ये कैंसर का बायस भी बनते हैं ट्यूमर्स भी ये बनाते हैं इस वजह से ऑनको वायरसेस भी कहलाते हैं यानी कैंसर कॉजिंग वायरसेस हैं और मोस्टली आपके पास डिफरेंट एनिमल की जो स्पीशीज हैं लाइक फाउल रोडेंट्स एंड कैट्स वगैरह में ये डिजीज कॉज करने का बायस बनते हैं और इनको काफी अरसे से हम जानते हैं आर ट्यूमर वायरसेस तो आपके पास जो आर ट्यूमर वायरसेस हैं जिनको हम ऑनको वायरसेस भी कहते हैं तो बेसिकली ये रिट्रो वायरसेज हैं और ये बात याद रखिएगा कि लाजमी नहीं है कि हर रिट्रो वायरस हमेशा ऑनको वायरस हो समाइम uh, लाजमी नहीं कि ये कैंसर भी कॉज करें तो लेकिन इनकी क्लोज चुकी एसोसिएशन है तो सुबह से हम इनको एक ही हेडिंग के अंदर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये आपके पास इसकी एग्जाम्पल में अगर मैं आपको बताऊं कि रिट्रो वायरस की कोई एग्जाम्पल अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप बताइएगा कि एच जो है ह्यूमन इम्यूनो इम्यूनोडिफिशंसी वायरस और जो डिजीज ये कॉज करता है एड्स दैट इज ये एब्रीविय है आपके पास एक्वायर्ड इम्यून एकफिशंसी सिंड्रोम इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं क्यों डिक्रीज करते हैं कैसे और ये वायरस कैसे उसको इफेक्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको कवर करेंगे तो बेसिकली आपके पास जो हेपेटाइटिस बी है वो भी आपके पास रिट्रो वायरस की एक टाइप है सारे हेपेटाइटिस को आप रिट्रो वायरस में कंसिडर नहीं कर सकते लेकिन आपके पास हेपेटाइटिस बी जो है ये येपैडना हप, जो आपके पास वायरडी फैमिली है उससे ताल्लुक रखता है और ये आपके पास हेपेटाइटिस की वो टाइप है जो कि रिट्रो वायरस की वजह से कॉज होती है स्ट्रक्चर जो रिट्रो वायरस का है आपके पास बुनियादी तौर पर इसको अगर देखा जाए तो ये स्फेरिकल होता है शक्ल के अंदर और सिंगल स्टैंडर्ड इसके अंदर आर एन ए मौजूद होगा और इसका साइज जो है हंड्रेड नैनोमीटर तक डेस्ट का डाया हो सकता है और ये इन्वेलप तो है ये, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया रिट्रो वायरसेस जो है आपके पास इनके ऊपर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोटीन्स बनी हुई हैं लिपिड्स भी लगे हुए हैं इसके इनवेलप के ऊपर तो आपके पास ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं आ, लेकिन ये आपके पास यानी किसी भी सेल को इन्फेक्ट कर सकते हैं अगर ये नॉन स्पेसिफिक हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वो आपके पास कुछ मखसूस होस्ट के ऊपर ही अटैक कर सकते हैं यानी बाइंड कर सकते हैं तो वहां पर इसका मतलब रिसेप्टर्स मौजूद होंगे जिसके साथ ये बाइंड करेंगे तो इनकी बाइंडिंग के लिए रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो सेल्स होते हैं उसके ऊपर डिफरेंट किस्म की प्रोटीन होती हैं क्लाइकोकैलिक्स होता है डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं और अगर उस रिसेप्टर के साथ बाइंड करने वाला कोई मोलिक्यूल आ जाता है तो वो उस साथ बाइंड कर जाएगा और

अगर हम बात करते हैं एच आई वायरस की एड्स वायरस की तो इसके अंदर जो होस्ट सेल है Uh, उसके अंदर रिसेप्टर्स मौजूद होंगे यानी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि लीकोसाइड्स हैं मोस्टली टी हेल्पर सेल्स उनके अंदर मखसूस तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जिसके साथ ये बाइंड करता है और फिर सेल के अंदर दाखिल हो जाता है रेट्रो के अंदर यहां पर स्पेशलाइज किस्म का एंजाइम भी आप देख सकते हैं जिसका नाम है आर टी देट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन इससे पहले आपने पढ़ी हुई है कि डी एन ए से आर एन ए बनने के जो प्रोसेस है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है कि आर एन ए से डी एन ए बनाए तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गई और आपके पास मैंने आपको पहले भी बताया था एज का वर्ड मोस्टली जहां पे आता है तो आप समझ जाए की बात हो रही है तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करेगा ये आरएनए को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर डीएनए के अंदर तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है अभी आपको समझ आ गई होगी कि यकीनन यकीन आपके पास जो वायरल आरएनए है वो कैसे होस्ट के डीएनए के साथ बाइंड कर जाता है क्योंकि हमेशा याद रखे बाइंडिंग डीएनए डीएनए की होगी आरएनए डीएनए का हाइब्रिड तो नहीं बनता तो इट मीनस कि आर को पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा इंटू डीएनए तो आपके पास होस्ट सेल के अंदर तो रिवर्स ट्रांस ट्रांसक्रिप्टेज इन्जाइम हो सकता है हो ना हो तो इट कि ये अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अपने पास रखेगा खुद इस्तेमाल करेगा जैसे ये होस्ट को इन्फेक्ट करेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम को जब उसको सारा वो मीडिया मिलेगा साइटोप्लाजम मिलेगा उसको पी एच मिलेगी उसको यानी कि सारी ऑप्टिमल कंडीशन मिल जाएंगी ऑप्टिममंडीशन सॉरी तो फिर क्या करेगा ये अपना काम करेगा और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम क्या है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इट विल कन्वर्ट द वायरल इन टू द एंड देन दैट डीएनएनएनएल इनकॉर्पोटेड इन टू द होस्ट और अब ये जो आपका होस्ट होगा ये क्या बन जाएगा ये आपके पास प्रोवायरस बन जाएगा जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि आपके पास जब ये यहाँ पर मौजूद है ये आप इसको चेक कर लीजिए जी यहां पर जब ये इनकॉर्पोरेट हो चुका है तो इस टाइम पे आप इसको क्या बोलेंगे आप इसको प्रोवायरस बोलेंगे ठीक है और ये जब नेक्स्ट आगे डिवाइड होता जाएगा तो अपने सेल्स के अंदर भी आ, जो वायरस की कॉपीज है वो भी लेके जाता चला जाएगा इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास रीटो वायरस का इन्फेक्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का पूरा प्रोसेस इसमें बताया हुआ है कि सबसे पहले आपके पास वायरस आएगा रीटो वायरस और वो आपके पास सेल में ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होंगे तो वो उससे बाइंड कर जाएगा और देन वो अंदर मूव कर जाएगा एंडोसाइटोसिस के थ्रू सबसे पहले उसकी अनकोटिंग हो जाती है अनकोटिंग के बाद इसकी सारा जो मटेरियल है वो बाहर निकल आएगा उसमें आरएनए भी होगा और आपके पास रिवर्स एंजाइम भी अब ये देखें आपको ये पिंक कलर का जो वायरल डीएनए आरएनए दिखाई दे रहा है अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और ये आपके पास प्रो वायरल डी जो है इसके साथ इंटीग्रेज एंजाइम भी लगा होगा और ये इंटीग्रेज का, का काम क्या है कि ये इंटीग्रेट कर देगा आपका जो uh, प्रोवायर डी एन ए है इन टू दी होस्ट इस टाइम पे अब इसको आप प्रोवायरस कहेंगे अब यहाँ पर ये अपनी भी कॉपीज बना सकता है ये सेल ठीक है बहुत सारी प्रोजीनी नेक्स्ट और उसमें भी आपके पास होस्ट का जो वायरस है वो भी एंटर होगा तो ये प्रो वायरस कहलाएगा और ये अपना मैसेंजर आर एन ए भी बनाएगा जिसकी वजह से मैसेंजर आने के बाद उसकी ट्रांसलेशन होगी और इसके प्रोडक्ट्स बनेंगे इसका कैप्सिड बनेगा और अगेन आ, आपके पास ये बर्ड ऑफ होके न्यू वायरस भी बनाएगा और ये इस तरीके से फिर दूसरे सेल्स में ये आगे रेप्लीकेट करता जाएगा अब यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा कि आपके पास कुछ रीचो जो होते हैं दे कैन कन्वर्ट दॉर्मल सेल्स इन टू कैंसरस सेल्स यही वजह है कि आप रिटरोस को ओंको वायरसिज या कैंसर कॉजिंग वायरस या आर एन ट्यूमर वायरसेज भी कहते हैं लेकिन ये कुछ हैं नॉट ऑल दी ओंको वायरसेज सॉरी नॉट ऑल द रिटरोर ओंको वायरसिस समेम रीजन फॉर द कैंसर सेल्स दैट इज वाई वीड वी सेम एज ओंको वायरसेज तो अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं बेटे एक्वायर्ड इम्यून एड्स तो एड्स के बारे में uh, थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि एड्स uh, में कुछ यंग मेल्स के अंदर uh, बहुत कुछ कम्प्लेक्स किस्म के सिम्टम्स सिं, देखे गए थे जिसमें क्या था लाइक like, स्वियर किस्म का नमूनिया था उनको और वेस्कुलर कैंसर था एक खास किस्म थी जो कि इससे पहले नहीं देखी गई थी इसके अलावा एकदम से उनका वेट बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया गिर गया इसके अलावा उनके जो लिम्फ नोट्स थे वो काफ़ी सूजे हुए थे और उनके अंदर इम्यून इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो लड़ने की सलाहियत थी वो यानी उसकी इम्यूनिटी फंक्शन जो है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गए थे बल्कि ख़त्म हो चुके थे एक और बात जो डॉक्टर्स ने नोटिस की थी कि तमाम ऐसे जो यंग पेशेंट्स थे आ, वो होमोसेक्शुअल थे यानी कि वो उनके अंदर जो सेक्सुअल टेंडेंसी थी वो उन्हीं की जेंस अपनी ही जैसी जेंडर यानी मेल टू मेल उनके अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड इंटरेक्शन मौजूद था जिसको हम होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं इसके बाद मजीद जो है जो डिस्कवरीज हुई उसके अंदर ये देखा गया कि ये मर्ज सिर्फ होमोसेक्सुअल में नहीं बल्कि नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स में भी नज़र आया लेकिन जब उनकी हिस्ट्री ली गई तो पता चला कि उन्होंने इससे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराई थी या ब्लड से रिलेटेड कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स से वो अपनी बॉडी में एंटर करवाए थे ट्रांसफ्यूजन हुई थी तो हो सकता है उस ब्लड के थ्रू उनमें ये वायरस एंटर हो गया हो 1984 के अंदर वो एजेंट जो जिसने ये डिजीज कॉज की थी उसको पहली दफा आइडेंटिफाई किया पैस्टर इंस्टीट्यूट फ्रांस के अंदर और आपके पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन अमेरिका यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसके अंदर इसको डिस्कवर किया गया था 1986 में इस वायरस को नेम दिया गया एच का ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस मेजर जो आपके पास जो ये सेल इन्फेक्ट करता है एच का वायरस उसको हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स, टी हेल्पर सेल्स, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स आपको पता है कि सेल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं और यहाँ पर ये मखसूस किस्म के वाइट ब्लड हेल्पर टी लिम्फोसाइट को अटैक करेगा जो कि एक मेजर कंपोनेंट है आपके पास इम्यून सिस्टम के अंदर एच आई वी इन्फेक्शन जैसे जैसे होस्ट के अंदर बढ़ता चला जाता है तो एक टी इम्फोसाइड्स जो हो होते हैं हेल्पर टी इन्फोसाइट वो कम होते जाते हैं उनका uh, उसके नतीजे में क्या होगा कि इम्यून सिस्टम टोटली कुलैप्स कर जाएगा फेल हो जाएगा जिसकी वजह से जो पर्सन uh, है वो उसको अगर फ्लू भी हो जाए या कोई आम से इन्फेक्शन भी हो जाए तो वो uh, उसको लड़ नहीं पाएगा उसके खिलाफ और उससे ही उसकी डेथ होने के चांसेस हो जाते हैं यानी कि पेशेंट जो है ससेप्टेबल हो जाता है किसी भी डिजीज के अगेंस्ट बहुत बहुत ज़्यादा गुना अब जो सेल होते हैं हैं. आपके पास CNS में central nervous system में वो भी HIV की वजह से हो सकते हैं. Sometime, HIV, HIV का बहुत लंबे अरसे तक अपने आप को कर लेता है इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अपने आप को शो ही नहीं करता काफी अरसे बाद फिर वो एक्टिव होता है और उसके बाद फिर ये चीज नजर आती है डिजीज की शक्ल में सामने आती है रिसेंट जो स्टडीज की गई हैं एच के ऊपर उससे ये बात पता चली है कि जो आपके पास वायरस जब इन्फेक्ट करता है और मल्टीप्लाई करता है तो वो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर भी कर सकता है लाइक like जो हैं उनके अंदर वो वायरस जो है मल्टीप्लाई करता है लेकिन जो है ना डिजीज वहां पर कोई कॉज नहीं करेगा ठीक है वहां पर मल्टीप्लेशन वगैरह जरूर करेगा लेकिन वहां पर आ, डिजीज कॉज नहीं करेगा इट मीनस कि आपके पास जो एच आई वी है वो होस्ट स्पेसिफिक है ये सिर्फ अपने एक मखसूस तरह के होस्ट के अंदर ही डिजीज कॉज करने की एहलीत रखता है यहाँ पर आप बेटे देख सकते हैं इसका जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस फिगर में अच्छा जी यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटे कि इसके ऊपर मखसूस किस्म की प्रोटीन्स हैं लाइक आपके पास जी पी वन ट्वेंटी और जीपी फोर्टी वन इसी तरीके से फिर आपको यहाँ पर इंटीग्रेज भी नजर आएगा जो कि हेल्प करेगा जैसे ही हमारा आर कन्वर्ट हो जाएगा इन यानी कि वायरस का एंड देन उसको इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है मिसेंजर आर या सॉरी आर जो है ये जो आर आपके पास मौजूद है इसको कन्वर्ट बैक करेगा इन टू द और इंटीग्रेज उसको एंटर करवा देगा इसके लाइफ साइकिल को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे ये होस्ट को इन्फेक्ट करता है और नेक्स्ट आगे प्रोसीड करता है तो सबसे पहले क्या होता है पहला स्टेप जो होता है आपके पास इसमें अटैचमेंट एंड एंट्री होगी आपके पास और साथ में अनकॉलिंग होगी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं सी डी फोर रिसेप्टर्स ये रिसेप्टर्स आपके पास बाइंड करते हैं जो जी पी वन होता है उसके साथ ये अटैच हो जाता है सी डी फोर रिसेप्टर्स को बाइंड कर लेता है और फिर क्या होगी यहाँ पर अटैचमेंट हो जाएगी अटैचमेंट के बाद फिर ये एंटर हो जाएगा एंडोसाइटोसिस हो जाएगी और अंदर ये अपना जितना भी मटेरियल है वो रिलीज कर देगा और अनकॉलिंग होगी और विलियोन जब एंटर होता है होस्ट के अंदर तो फिर अनकोट कर देता है अपने आप को साइटोप्लाज्म के अंदर उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है सेकंड स्टेप होगा जिसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है और साथ में इंटीग्रेशन हो जाएगी इंटीग्रेज एंजाइम भी है और आर ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी है तो आपके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करेगा यूज uh, करेगा वायरल डीएनए को क्योंकि आपके पास तीन चीजें निकली थी इसमें से जब इसने अपने आप को अनकोड किया था एच आई वी ने सबसे पहले तो वायरल डीएनए एन आर एन ए निकला था सेकेंड वन आपके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और थर्ड वन आपके पास इंटीग्रेज तो क्या करेगा आपके पास जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो इसी आर एन ए को वायरस के आर एन ए को लेगा और इस एज अ टेम्परेट यूज करेगा और इससे आपके पास डीएनए बनाएगा ठीक है अब जो पहला डीएनए होगा वो तो जाहिर सी बात है डीएनए और आरएनए का हाइब्रिड बनेगा आपके पास क्योंकि के तौर लगा हुआ था और बाद में डीएनए लेकिन जब सेकंड फेज उसका स्टार्ट होगा तो फिर वो डीएनए डीएनए क्यों क्या उस कम्प्लीट डीएनए पी और डीएनए बन जाएगा जब वो डीएनए बन जाएगा तो उसके बाद फिर आपके पास इंटीग्रेज एनजाइम है उसका काम क्या है कि वो इसको इनकॉर्पोरेट कर देगा इन टू दी होस्ट होस्ट जीनोम और उस टाइम पर ये प्रो वायरस बन जाएगा ठीक है नेक्स्ट जो आपके पास स्टेप है उसके अंदर क्या होगा ये तो आपके दो स्टेप्स हो गए इंटीग्रेशन uh, भी होगी और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होगी फोर्थ स्टेप जो है वो बेसिकली असम्बली और रिलीज का स्टेप है इसके अंदर uh, आपके पास जो आर एन ए है यानी जो होस्ट का जीनोम है उसके अंदर जो आर एन ए से कन्वर्टेड डी एन एनि कि वायरल डी एन ए जो एड हो चुका है और प्रो वायरस बन चुका है वही आपके पास होस्ट का uh, सिस्टम इस्तेमाल करते हुए कन्वर्ट कर लेगा अपने आपको एंट्री थी मिसिन जुराने अपनी कॉपीज बना लेगा बेसिकली और जब वो वो मिसिन जराने होगा वो क्या करेगा कि आपके पास होश की जो बायोसिंथेटिक मशीनरी है उसको ओवरकम कर लेगा और अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देगा यानी अपनी कैप्सल प्रोटीन बनाएगा अपना एनवेलप बनवाएगा और साथ में इंटीग्रेज इन्जाइम बनाएगा रिवर्स ट्रांसपोर्टेज बनाएगा और मिसेंजर यही आर एन ए जो है ये बाइंड होके नेक्स्ट जो है रिकंस्ट्रक्शन या असेंबली के बाद एक नए वायरस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरीके से फिर ये स्प्रेड करेगा और दूसरे जो आपके पास होस्ट हैं उसके ऊपर अटैक करके ये साइकिल चलता चला जाएगा देट वॉज हाउ दी एच आई वी इन्फेक्ट अ सेल एंड वट हैपन्स इन साइड दी इन्फेक्टेड सेल अभी तक हम लोगों ने एच आई वी के सिम्टम्स के बारे में जान लिया एच आई वी वायरस को देख लिया एच आई वी का जो लाइफ साइकिल उसको डिस्कस कर लिया लेकिन इसके ट्रांसमिशन रूट्स जो है वो हमने नहीं देखे एच आई वी ट्रांसमिट हो सकता है सेक्शुअल कॉन्टेक्ट के जरिए और इसके अलावा ब्लड uh, के जरिए भी यानी ब्लड ट्रांसमिशन के जरिए भी हो सकता है ब्लड कॉन्टैक्ट हो जाए उसके जरिए भी हो सकता है इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए भी होता है मदर से अपने बच्चों को इन्फेंट्स को और हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं जो कि मतलब हॉस्पिटल्स में काम करते हैं और उन पेशेंट्स के साथ डील करते हैं और उनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं उनको भी एच हो सकता है जब वो अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं अवॉइडिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है बेसिकली एच के साथ वो इंपॉटेंट है आप इस डिजीज़ से अगर बचना चाहते हैं यानी आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना रखें प्रिवेंशन वो किस तरीके से की जा सकती है इसको रोकथाम कैसे की जा सकती है कि इंट्रावीनस ड्रग्स लेते हैं तो आपके पास एक ही सुई का इस्तेमाल ना करें यानी अगर आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो इंजेक्शन नया होना चाहिए एक ही इंजेक्शन मुख्तु लोगों को नहीं लगा हुआ होना चाहिए इसलिए जब भी आप जाओ क्लिनिक्स में हॉस्पिटल्स में तो नया डिस्पोजेबल इंजेक्शन आप ओपन करवाएं और उसको यूज़ कीजिए और उसके बाद फिर उसको काट के डैमेज करके फेंकवा देना चाहिए तो बेसिकली क्या है कि स्टेराइल नीडल्स या सिलेंजेस का इस्तेमाल करना चाहिए और आपके पास आ, इसके अलावा अगर आप पार्लर्स में जाते हैं या बार्बर की शॉप पे जाते हैं नाई वगैरह की दुकान पे जाते हैं तो वहां पर भी जो उस तरह वगैरह जो ब्लेड वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है वो डिस्पोजेबल होना चाहिए नया इस्तेमाल करना चाहिए और एक पर्सन का इस्तेमाल किया हुआ दूसरे पर्सन पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ऐसी जो ब्रशेज वगैरह होते हैं उनका बहुत एहतियात करनी चाहिए और इस तरीके से बहुत सारी जो चीज़ें पर्सनल हाइजीन की होती हैं वो कोशिश करें कि आप अपनी ही मेनटेन करें किसी दूसरे की इस्तेमाल ना करें जहाँ तक इसकी वैक्सीन का ताल्लुक है तो वैक्सीन इसकी 100 परसेंट जो है ना उस तरीके से अवेलेबल नहीं है लेकिन बहुत सारी वैक्सीन के ऊपर काम हो रहा है 2001 से ही साउथ अफ्रीका के अंदर इंसानों के ऊपर जो है ना इसका ट्रायल भी स्टार्ट किया गया था तो ये डिफरेंट जो है आ, ट्रायल्स जो हैं वो चल रहे हैं और हंड्रेड परसेंट जो है ना आपके पास इफेक्टिव एच की जो वैक्सीन है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है सो so, अगर एच की ट्रांसमिशन को रोकना है तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन या जो इंसान का थूक वग़ैरह है इसकी जो ट्रांसफ्यूजन है या, या मतलब जितने भी बॉडी फ्लूड्स हैं उनकी थ्रू इसकी ट्रांसमिशन होती है तो उसको आपने एहतियात करनी है उससे आपने इजतना करना है लेकिन एच ऐसा नहीं है कि खाने पीने से हाथ मिलाने से आ, या फिर मच्छर काट गया है उससे आ, या किसी कपड़े आपने इस्तेमाल कर लिए हैं उससे ये नहीं फैलता ठीक है तो इसका सिर्फ बॉडी फ्रूट्स के साथ ताल्लुक है तो एच से बचने का सिर्फ यही तरीका है कि आप इन तमाम चीज़ों को उन तमाम सोर्सेज को उन तमाम ट्रांसमिशन रूट्स को जो है वो अवॉइड करें जिससे इसके फैलने का चांस हो सकता है यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जैसे कि हम जानते हैं जिनमें से जो मेजर ऑर्गन्स के अगर हम नाम लें तो दिमाग आ जाएगा दिल आ जाएगा जिगर आ जाएगा मैदा आ जाएगा ठीक है ये बेसिक बड़े बड़े ऑर्गन हैं आपके तो लिवर जो है बेसिकली जिगर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा और इसका जो काम है वो आपको पता है बहुत क्रूशल है यूरिया साइकिल इसमें चल रहा है ये डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है और भी बॉडी के डिफरेंट जो निज़ाम है उनको ये कंट्रोल कर रहा है ब्लड सेल्स बन रहे हैं और भी डिफरेंट तरह की चीज़ें जो हैं इससे हो रही हैं और जो जितने भी आप लोग डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स जो आपके पास एब्जॉर्ब हो जाते हैं डाइजेशन के अंदर उसको भी ये कंट्रोल करता है और डिफरेंट तरह के साइकल्स को ये प्रोसेस कर रहा होता है तो इट्स अ मेजर ऑर्गन बेसिकली तो अगर ये डैमेज हो जाए तो फिर क्या क्या हो सकता है फिर आपके पास ज्वाइंडस हो सकता हो सकता है हैपेटाइटस हो सकता है डायरिया हो सकता है अर्थराइटस हो सकता है डिफरेंट तरह के आपके पास बॉडी के अंदर जो इश्यूज आ सकते हैं वो इसके डैमेज होने की वजह से आ सकते हैं तो जिस डैमेज को हमने आज देखना है टॉपिक को दैट इज हेपेटाइटिस ठीक है सिरोसिस हेपेटाइटिस बेसिकली ये क्या है आपके पास लिवर जो है जब आपके पास अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा और उसकी इन्फ्लेमेशन उसके अंदर आ जाएगी सूजन आ जाएगी ठीक है और वो किसी भी इन्फेक्शन की वजह से वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है किसी टॉक्सिक एजेंट या ड्रग की वजह से हो सकता है तो आपके पास वो हेपेटाइटिस कहलाता है ठीक है हेपैटा वर्ड जो आपके पास है, निकलता है लिवर से हेपेटाइटिस का मतलब ये है कि लिवर से रिलेटेड यानी कि लिवर की सूजन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर और उसकी मुख्तु वजूहत है लेकिन हम यहाँ पर इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम हेपेटाइटिस को वेराइटी ऑफ लाइफ में वायरस के चैप्टर गंदे अंदर इसी स्टडी कर रहे हैं कि हम इसकी वो कॉज देखेंगे जो कि वायरस की वजह से हेपेटाइटिस होता है ठीक है उसको हम देखेंगे तो अपटाइटस जो है डिफरेंट तरह का हो सकता है और उसकी डिफरेंट जो है आपके पास सिम्टम्स हो सकते हैं और वो जो सिम्टम्स हैं पटाइटस के उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हो जाती हैं आपके पास जॉइंडस हो सकता है या जिसमें स्किन और आंखों का कलर भी येलो हो जाता है क्यों होता है क्योंकि जो पिगमेंट होता है बाइल वो ब्लड के अंदर मूव करना शुरू हो जाती है इसके अलावा डोमिनल पेट का दर्द पेन एंड लिवर बढ़ जाता है जिगर का बढ़ जाना जिसको आप कहते हैं फटीक थकावट होती है और अक्सर औकात फीवर बुखार भी अक्सर रहता है तो ये इलामत हो सकती हैं ये आपके पास माइल्ड भी रह सकता है यानी कि इस तरीके से लाइट लाइट ये चलती रहें आपके पास कंडीशंस लेकिन अगर ये बहुत एक्यूट हो जाता है तो ये आपके पास लिवर के कैंसर में भी तब्दील हो सकता है मुख्तफ तरह के आपके पास हेपेटाइटिस के वायरसेस होते हैं और हेपेटाइटिस के वायरसेस में अगर देखा जाए तो आपके पास हेपेटाइटिस ए वायरस बी हेपेटाइटिस बी है हेपेटाइटिस सी है हेपेटाइटिस डी है ई है एफ जी तक है आपके पास वायरसेस तो मेन तो फाइव ही टाइप्स हैं आपकी इन टाइप्स को हम अब वन बाय वन देख लेते हैं हेपेटाइटिस ए जो है आपके पास फॉर्मरली uh, इसको हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी कहते थे ये ज्यादातर फैलता है आपके पास कांटेक्ट uh, जब हो फीसिस uh, के साथ फजले के साथ इन्फेक्शन पेशेंट के उसके जरिए इसकी uh, इसका फैलाव होता है और ये काफी कंटेजुअस है यानी कि बहुत ज्यादा एक दूसरे से फैलने के चांसेस होते हैं और मोस्टली देखा जाए तो ये आपके पास आरएनए वायरस होता है नॉन इन्वेल्व वायरस होता है और माइल्ड शॉर्ट टर्म लेस विरुलेंट डिजीज ये कॉज करता है एच ए वी इट इज़ नॉट एच आई वी इट इज़ एच ए वी ठीक है हेपेटाइटिस ए वायरस एच आई वी तो आपने पहले पढ़ लिया वो एड्स कॉज कर रही है और सिम्टम uh, ज्वाइंटस है नोजिया हैल पेन है और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इन्फेक्टेड फूड या सीवेज कंटेमिनेशन uh, के जरिए ये फैल सकता है यहाँ पे आपको इसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कि जॉइस हो सकता है फीवर हो सकता है डार्क यूरिन या फूप हो सकता है, में क्या? तो आपको है जी का मतलाना जिसको कहते हैं खाना नहीं इंसान खाता भूख कम लगती है और वीकनेस वगैरह फील होती है जॉइंट्स वगैरह में दर्द वगैरह होता तो है, हो है तो हेपेटाइटिस ए के चांसेस हो सकते हैं तो हेपेटाइटिस ए का टेस्ट करवा लेना चाहिए नेक्स्ट कम दी हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस बी को हम कहते हैं मोस्टली सीरम हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस बी जो है ये सेकेंड मेजर फॉर्म है हेपेटाइटिस की और uh, ये आपके पास एक डीएनए वायरस के जरिए होती है जो कि आपके पास बहुत कॉमन है एशिया चाइना फिलीपींस अफ्रीका मिडिल ईस्ट के अंदर हेपेटाइटिस बी जो है उसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूड्स के जरिए होती है लाइक ब्लड सीरम ब्रेस्ट मिल्क सलाइवा और माँ uh, जब बच्चे को पैदा करी होती है डिलीवरी के प्रोसेस के दौरान बर्थ प्रोसेस के दौरान उस दौरान माँ से बच्चे को भी ये हो सकती है और इसके अलावा सेक्शुअल कॉन्टेक्ट के जरिए भी ये फैल सकती है आ, एक्यूट जो अटैक्स होते हैं हेपेटाइटिस बी के उसमें आपके पास जो सिम्टम्स हो सकते हैं इनमें वही ही सिम्टम्स शामिल हैं जो कि मोस्टली हेपेटाइटिस के होते हैं लाइक like फटीग होती है भूख का लगना ख़त्म हो जाता है और इसके अलावा यरकान जो है वो भी रिपोर्ट हुआ है इन्फेक्टेड जो पर्सन होते हैं वो रिकवर कर सकते हैं कम्प्लीटली और इम्यून हो जाते हैं इस वायरस से और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि क्रोनिक हेपेटाइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनको रिस्क होता है लिवर डैमेज का और आपके पास लिवर जो है उसमें कंप्लीटली डैमेज भी हो सकता है जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हेल्दी लिवर किस तरह का दिखता है और फैटी लिवर होगा तो वो कैसा दिखेगा और सिरोसिस यानी कि लिवर डैमेज जब हो जाता है तो फिर वो किस तरह का आपको नजर आएगा और इसके अलावा आपके पास एक्यूट और क्रॉनिक हेपेटाइटिस जो है उनके सिम्टम्स जो है यहाँ पर आपको जनरल दिखाए जा रहे हैं जिसमें आपको फिटीक नजर आती है ज्वाइंटस नजर आता है नोजिया लॉस ऑफ हैपेटाइट ये वो ऐसी चीजें हैं जो कि मोस्टली और, और डार्क यूरिन वगैरह ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि हेपेटाइटिस में मोस्टली पाए जाते हैं लेकिन डिपेंड करता है कि लिवर जो है ना उसका डैमेज कितने परसेंट तक पहुंचा है या वो किस हद तक फैला है उस कंडीशन को और इन तमाम चीजों को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हाइजीनिक मयर्स लेके ठीक है सफाई सुथरा का ख्याल रख के खाने पी में भी और रूटीन की वैक्सीनेशन जो है वो भी करवानी चाहिए स्क्रीनिंग करानी चाहिए अपने ब्लड का आ, हर आ, कुछ अर्से बाद तीन महीने बाद छह महीने बाद आप नॉर्मल तकलीफ ना भी हो तो भी अपने ब्लड की स्क्रीनिंग करवा ले करे कोई इस की चीज हो तो पता चल जाए टाइमलीज किया जा सके ऑर्गन टिश्यूज वगैरह जब ट्रांसप्लांट किए जाते हैं तो उसका जो डोनर वगैरह होता है तो उसके लिए भी स्क्रीनिंग वगैरह कराना बहुत जरूरी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहे हैं तो भी उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए तो ये वो मरीज है जिनकी मदद से हम हेपेटाइटिस किसी भी तरह का हो उसको रोक सकते हैं तो दैट वाज ऑल अबाउट दी हेपेटाइटिस बी नाउ मूविंग टुवर्ड्स सी हेपेटाइटिस सी जो है आपके पास बुनियादी तौर पर uh, ये uh, जो है आपके पास फॉर्मली uh, इसको हम नॉन ए एंड नॉन बी हेपेटाइटिस कहते थे और मोस्टली ये आपके पास ब्लड के थ्रू या फिर माँ से बच्चे के थ्रू प्रेगनेंसी के दौरान या सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान फैलता है ये इसके स्प्रेड uh, की कॉजेज हैं हेपेटाइटिस सी बी आपके पास आर एन ए वायरस है जो कि आपके पास इन्फ्यूज इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस कॉज करता है जो कि आपके पास ए और बी से लेस वियर है लेकिन आपके पास हेपेटाइटिस सी जो है वो क्रॉनिक लिवर डिजीज का बायस ज़रूर बन सकती है और इसके जो सिम्टम्स हैं अगेन उसमें आपको सिमिलैरिटी uh, दिखाई देगी लाइक क्ले कलर्ड पूप है डार्क uh, यूरिन होगा फीवर फिटीक येलो आइज जॉइंट पेन लॉस ऑफ एपिटाइट, नोजिया स्टमक पेन एंड वॉमिटिंग वगैरह शामिल है और आपके पास वेट uh, लॉस भी हो, हो सकता है इसके अंदर इंटर्नस इचिंग भी हो सकती है मसल लॉस भी हो सकता तो ये सारे वो आपके पास सिम्टम्स हैं जो कि हेपेटाइटिस सी के, के पेशेंट्स में देखने को मिलती है कॉमनली इसके बाद हम आ जाते हैं जी हेपेटाइटिस डी के ऊपर हेपेटाइटिस डी जो है आपके पास इसको डेल्टा हेपेटाइटिस बी बोलते हैं और मोस्टली ये आपके पास उन्हीं लोगों में होती है जिनको ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी हो जिन लोगों को ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी होगी उनको ही हेपेटाइटिस डी होगी इसके अलावा आपके पास हेपेटाइटिस ई और एफ एंड जी भी होते हैं हेपेटाइटिस ई जो है बेसिकली उसके ट्रांसमिशन जो है आपके पास वाटर एंड फूड की आ, होती है कि अगर किसी की फीसिस जो है वो या इन्फेक्टेड पर्सन का जो भी लवाब वग़ैरह है या कोई भी इसके जो फ्लूड्स हैं वो अगर मिक्स हो जाते हैं फूड में या वाटर में तो उसके ज़रिए इसके फैलने के चांसेस हैं इसी तरीके से आपके पास हेपेटाइटिस एफ़ और जो जी है आपके पास इनके जो वायरसेस हैं वो अभी तक अनआइडेंटिफाइड हैं यानी इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं हुआ रिसेंटली जो है आपके पास हेल्बर एंड को वर्कर्स जो है उन्होंने काम किया है 2001 में और उसमें उनको एक बात पता चली है कि जो पिग होती है उस वो सोर्स होती है आपके पास हेपेटाइटिस ई e का तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अक्सर एम सी क्यूज भी पूछ लेते हैं कि हेपेटाइटिस ई e का सोर्स क्या है तो वो पिग से है इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है आपके पास आ, पानी को आप कोशिश करें बॉयल करके प्योरिफाइड इस्तेमाल करें हाँ अपने हाथ फ्रीक्वेंटली धोएं इसके अलावा कच्चा जो गोश्त है उसको खाने से अवॉइड करें और पर्टिकुलरली पोर्क वगैरह का जो गोश्त है उसको आप अवॉइड करें और प्योरिफाइड पानी का इस्तेमाल सब्जियां धोने के लिए भी करें खाना पकाने के लिए आटा गूंदने वगैरह के लिए भी करें और कोशिश करें कि दांत वगैरह भी जब साफ़ करें तो आपका पानी जो है प्योरिफाइड हो या फिर बॉटल वाटर हो यानी कि प्योरिफाइड बेसिकली वाटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है इस फिगर के अंदर आपको एक समरी देखी आप देख सकते हैं दिखाई जा रही है कि यहाँ पर वायरसेस का भी जिक्र किया गया है जैसे कि हेपेटाइटिस ए वायरस है उसमें आप देख सकते हैं कि वो आर एन ए वायरस है देन उसकी क्लासिफिकेशन पे कोरोना वायरस ताल्लुक रखता है और सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए इसके अंदर जीनोम मौजूद है ट्रांसमिशन इसकी एंटेरिक और इनक्यूबेशन पीरियड फिफ्टीन टू फोर्टी फाइव डेज का है क्रोनिक नहीं होता ज्यादातर कोई नहीं है मोस्टली टैकल किया जाता है इसके अलावा like आपके पास, है, जो है, न, है. आपके पास C, जो है वो फ्लैवी वायरस है सिंगल स्टैंडर्ड आर मौजूद होता है इसमें जबकि हेपेटाइटिस डी का जो वायरस है ये डेल्टा वायरस क्लासिफिकेशन चालू रखता है और माइनस सिंगल स्टैंडर्ड आर मौजूद होता है इसके अंदर जबकि हेपेटाइटिस ई जो वायरस है ये सिंगल स्टैंडर्ड आने वायरस है हर वायरस से रखता है एंडायरेक्ट होता है तो ये आपके पास मोस्टली आपको समरी किसकी न, दिखाई देगी इस चार्ट के अंदर नेक्स्ट अगर इसको मजीद देखा जाए वैक्सीन के हवाले से तो हेपेटाइटिस ए की जो वैक्सीन है वो भी अवेलेबल है मार्केट में बी की भी अवेलेबल है सी और डी की अभी तक नहीं अवेलेबल जबकि ई e की सिर्फ चाइना के अंदर अवेलेबल है और इसका जो ट्रांसमिशन का रूट है मोस्टली ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि हेपेटाइटिस ए का जो रूट है वो फीकल औरल रूट है बी का जो है वो ब्लड और अदर बॉडी फ्लूट्स के जरिए है हेपेटाइटिस सी जो है वो ब्लड से फैलता है हेपेटाइटिस डी जो है बॉडी और दूसरे जो बॉडी फ्लूट्स हैं ब्लड और बॉडी फ्लूट्स उनके जरिए फैलता है और हेपेटाइटिस ई e जो है अगेन फीकल औरल रूट के जरिए फैलता है वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात की जाती है तो वैक्सीनेशन जो आपके पास मोस्टली जेनेटिकली इंजीनियर वैक्सीन जो हैं वो हेपेटाइटिस बी की अवेलेबल है और वैक्सीन हेपेटाइटिस ए की भी अवेलेबल है जबकि हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन जो है अभी तक अवेलेबल नहीं है तो इस हवाले से जो हेपेटाइटिस सी है वो फिर काफ़ी क्रूशल है तो इससे एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है लेकिन हेपेटाइटिस से बचने के लिए आप अगेन वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर सफाई का ख्याल रखना है हाइजीन का ख्याल रखना है ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि uh, अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो आप इन डिजीज से बच सकते हैं दैट वॉज ऑल फॉर टुडे थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक केयर अल्लाह हाफिज़